हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और बनाती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस अराउंड ट्रैवल, लाइफस्टाइल, फूड इन जर्मनी एंड अराउंड यूरोपियन कंट्रीज। तो आज का वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा, तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो आपने इंडिया से लेते हुए आनी है जर्मनी में, और ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं जो आपने इंडिया से नहीं भी खरीदी तो भी कोई बात नहीं है, आपको वो जर्मनी में अच्छी मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने जो सारे पॉइंट्स है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करे हैं, तो हम डिस्कस करते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें आपने इंडिया से लेके आनी है या जर्मनी से उनको लेना बेहतर रहेगा। तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है रिलेटेड टू कैश एंड कार्ड। तो जर्मनी जब आप आओगे तो आपको इनिशियली ना थोड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मिनिमम 500 से 700 यूरो आपके साथ कैश कैरी करना, उससे ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड रिकमेंड कि आप फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड जो बनता है इंडिया में तो वो बनवा के ले आना। आप आपके बैंक में जाके बता सकते हो कि मैं इस कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे इतनी अमाउंट मेरे कार्ड में लोड करके देना, तो आप वो ट्रैवल कार्ड जो है फॉरेक्स कार्ड जिसे कहते हैं वो यहाँ पे इजीली मनी विड्रॉल के लिए यूज़ कर सकते हो और उसके हिसाब से जब आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जितनी आपको कैश चाहिए वैसे विड्रॉ कर सकते हो। और आई वुड रिकमेंड कि आपके पास अगर इंडियन क्रेडिट कार्ड है तो वो भी साथ ले आना, क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं है या आपका फॉरेक्स कार्ड नहीं चलता यहाँ पे, तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप के लिए आपका क्रेडिट कार्ड तो होगा। बट ये याद रखना कि आने से पहले आप बैंक से आपके पता करो कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड विड्रॉल एनेबल्ड है। तो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया से लेके आनी है वो है यूनिवर्सल अडैप्टर। तो जर्मनी में जो पावर स्लॉट होते हैं वो तो 2 पिन वाले होते हैं, और इंडिया में जो अपने अप्लायंसेस होते हैं उसके लिए तो 3 पिन चार्जर होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अप्लायंसेस या लगा लो मोबाइल या लैपटॉप जो इंडिया से ख़रीदा हुआ है वो आप अगर जर्मनी में यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए लगेगा आपको ये यूनिवर्सल अडैप्टर। इसलिए एक नहीं बल्कि 2-3 अडैप्टर ले आना, यूनिवर्सल अडैप्टर ले आना, ताकि एक ख़राब भी हो जाए तो बैकअप के लिए आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में और एक चीज़ जो आप इंडिया से ले आ सकते हो वो है पावर बैंक और हार्ड डिस्क। ये वैसे जर्मनी में महंगी मिल सकती है पर इंडिया में बहुत आराम से सस्ती मिल जाएगी, तो इसलिए पावर बैंक और हार्ड डिस्क भी इंडिया से ही ले आना। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप इंडिया से नहीं भी खरीदते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जर्मनी में उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी और रीजनेबल प्राइसेस में भी मिल जाएंगे। जैसे कि लैपटॉप, तो लैपटॉप अगर आप सोच रहे हो कि मैं इंडिया से लेके जाता हूँ तो आई वुड से कि इंडिया से बिल्कुल भी मत खरीदना। नया लैपटॉप अगर आपको खरीदना ही है तो वो जर्मनी से खरीदना, क्योंकि जर्मन लैपटॉप के जो कीबोर्ड के जो कीज़ होती है ना वो भी डिफरेंट होती है। तो अगर आपको यहाँ पे काम करना है या आप एज अ स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस लैपटॉप को यूज़ करने की। और अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे स्ट्रेटनर हो गया, ड्रायर या ट्रिमर, तो ये ग्रूमिंग रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है और बहुत सस्ती भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना अननेसेसरी इंडिया से बहुत ज़्यादा लगेज में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्मनी में भी खरीद सकते हो। और हमारी ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने इंडिया से लेके ही आनी है, और वो है फूड, खाने पीने की चीज़ें। तो जितनी ले आ सकते हो स्पेशली रेडी टू ईट, मैगी, सूप के पैकेट्स, ये आप जितने भी ले आ सकते हो वो ले आना बैग में भर के। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको आने के बाद इनिशियली 1-2 महीने अगर कुछ प्रॉपरली आप खाना नहीं बना सकते हो तो यही आपको सहारा होने वाला है। एंड आई वुड से कि अगर आप इंडियन जैसे दालें और चावल वगैरह ये भी अगर लेके आते हो, वैसे तो ये सारी चीज़ें जर्मनी में आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे इंडियन स्टोर्स भी है, बट अगर आपको लाना ही है तो आई वुड से 1-2 महीने का एटलीस्ट 1 महीने के लिए आपको जितना लगेगा चावल या दाल ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। अगेन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप कितना इंडियन खाओगे, बिकॉज आप यूरोप में आ रहे हो यार, यहाँ पे तो बहुत सारी क्यूजीन मिलती है, अलग अलग आपको कंट्रीज़ के डिशेस ट्राई करने को मिलेंगी। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल हो और अगर आप नया चीज़ें ट्राई करना चाहते हो तब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। बट हाँ, इंडियन चीज़ें ले आनी है आपको तो मिनिमम 1 महीने का सामान ले आना, बाद में आपको आराम से यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से सारा सामान मिल जाएगा। फिर इम्पॉर्टेंट है मसाले, तो मसाले बिना तो अपना खाना पॉसिबल ही नहीं है। तो मसाले तो आई वुड से कि 1-2 पैकेट तो जो भी आपको मसाले चाहिए होते हैं वो साथ में ले आना। नमक वगैरह तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नमक तेल ये तो नॉर्मल जर्मन स्टोर्स में भी मिल जाएगा, पर जो अपने इंडियन मसाले हैं उसके आप पैकेट जैसे आते हैं ना बादशाह मसाला या MDH मसाला, ऐसे वाले पैकेजिंग वाले ले आना। ऐसे खुले मसाले जो पैकेट में पैक करे हो, प्लास्टिक में पैक करे हो, ऐसे मत ले आना, नहीं तो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। और फूड आइटम्स में जैसे
जैसे हेल्दी चीज़ें होती है, जैसे च्यवनप्राश, घी, काजू बादाम, ये इंडिया में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आई वुड सजेस्ट ये सारी चीज़ें भी आप इंडिया से ही ले आना। और एक चीज़, अगर आप चाय पीते हो तो चाय पत्ती भी साथ इंडिया से ही ले आना, बिकॉज यू नेवर नो आप जहाँ पे रह रहे हो उसके पास इंडियन स्टोर है नहीं है, तो ईजी है बैकअप के लिए आप ये सारा सामान साथ में ले आना। और अगर आपका सामान आप शिपिंग करा रहे हो, मतलब इंडिया से आप शिपिंग के थ्रू ज़्यादा सामान मंगा सकते हो, तब तो आई वुड से कि आप 6-7 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपायरी डेट, आप बहुत सारा सामान इंडिया से मंगा सकते हो, खाने पीने का, स्नैक्स, नमकीन वगैरह, क्योंकि शिपिंग में तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वेट का भी आप देख सकते हो कुरियर कंपनी से कि कितना वेट अलाउड है, और उसके हिसाब से आप जितना सामान चाहिए खाने पीने का उतना इंडिया से मंगा सकते हो। बट स्टूडेंट्स के लिए आई कैन अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन होती है वेट बैगेज के लिए लेके, तो आई वुड से अगर 2-3 बैग ले आ रहे हो सूटकेस, तो एक में ना बस खाने की चीज़ें ले आना, बिकॉज खाने की चीज़ें यहाँ पे बहुत मिस करने वाले हो आप। तो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है यूटेंसिल्स, बर्तन। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो ये याद रखना, इंडिया से आपको कुछ बर्तन लेके आने पड़ेंगे जो कि जर्मनी में आपको इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या क्या लेके आना है, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेशर कुकर की, फिर है कढ़ाई और तवा, स्पेशली डोसा या चपाती बनाने के लिए। और ये याद रखना कि ये सारी चीज़ें आप इंडक्शन सेफ जो होती है वैसे ले आना, जो इंडक्शन पे भी चल जाए, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में जो गैस होती है वो इंडक्शन प्लेट्स होती है, तो उस पे भी चल जाए। ये याद रखना कि आप ऐसे वाला सामान ले आओ ताकि वो यूज़ हो जाए, और बस ऐसे नहीं कि यहाँ पे कहीं पड़ा रहे और आपका कोई काम भी ना हो उससे। और एक चीज़ आपकी ज़रूरत पड़ेगी जिसकी, वो है बेलन और चकला। बेलन, चकला और छन्नी, ये दो चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि ये भी सारी चीज़ें आप इंडिया से ही ले आना। इंडियन स्टोर में मिलेगा आपको चकला, बेलन, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। इससे अच्छा ये बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें आप इंडिया से ही ले आना। और वही शिपिंग में आप सामान ले आ रहे हो तो आप पूरा आपका किचन भी साथ ले आ सकते हो, उसमें तो आपको आपके पास ऊपर कोई लिमिट नहीं रहता कि आपको कितना सामान, कितना आप कैरी करोगे। बट स्टूडेंट्स के लिए या जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो इनिशियली आ रहे हैं, जिनको 2-3 बैगेजेस का अलाउंस होता है, उनको तो कंस्ट्रेंट होते हैं, तो एटलीस्ट छोटा सा कुकर, आई नो कुकर मतलब आपको लगेगा कि इतना लगेज में मैं कैसे लेके आऊँ, बट आपको ज़रूरत पड़ेगी कुकर की, सो आई वुड से कि छोटा कुकर तो साथ ही ले आना। और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ओवर द काउंटर मेडिसिन, दवाइयाँ। तो जर्मनी में अगर आप बीमार हो जाते हो ना, नॉर्मल सर्दी खांसी भी हो जाता है, और अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इतने आसानी से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो ये याद रखना कि इंडिया से अगर आप आ रहे हो तो नॉर्मल सर्दी खांसी ज़ुकाम, इनकी जो दवाइयाँ होती है वो तो आप कैरी करना, मिनिमम 6 महीने 1 साल की एक्सपायरी डेट देख के उसके हिसाब से मेडिसिन कैरी करना, क्योंकि इसकी तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और बेसिक बाकी चीज़ें जैसे होती है ना, आयोडेक्स, विक्स, दंत कांति, आई ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें भी आप कैरी कर सकते हो, इसकी भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग आई वुड से, मेडिसिन में आप ना एक फर्स्ट एड किट बनवा के ला सकते हो, जिसमें जैसे डेटॉल हो गया या वो बैंडेड वगैरह, थर्मामीटर, ये सारा एक फर्स्ट एड किट आप लेके आओगे तो आपको इमरजेंसी के टाइम यहाँ पे काम आ सकता है। और अगर आप चश्मा या लेंसेस पहनते हो तो आई वुड से कि थोड़ा एक्स्ट्रा 1-2 चश्मे ना इंडिया से ही बनवा के ले आना, क्योंकि अपने यहाँ पे लेंस कार्ट वगैरह ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे बड़े सस्ते में मिल जाते हैं चश्मे, क्योंकि जर्मनी में चश्मों का हिसाब बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये सारी चीज़ें। और आई वुड रिकमेंड आप यहाँ आने से पहले एक बेसिक चेकअप करके आना, स्पेशली आपका आई चेकअप या दांतों का चेकअप, लाइक डेंटल चेकअप और ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी करवा के आना, क्योंकि कुछ भी अगर रूट कैनाल या ऐसे कोई दांतों की फिलिंग या कुछ करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके हिसाब से आप पहले ही वो करवा सकते हो। और आपको अगर मेडिकेशन की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो मेडिकेशन भी आप यहाँ पे आने से पहले कैरी भी कर सकते हो। एंड अभी हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है क्लोथ्स एंड शूज़। तो ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन करे हैं कि आपने कौन सी चीज़ें इंडिया से लेके आनी है और कौन सी चीज़ें आपको जर्मनी में अच्छी मिलेगी। तो पहले बात करते हैं कपड़ों के बारे में। तो कपड़ों के सेक्शन के अंदर भी मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो पहले बात करते हैं फॉर्मल क्लोथ्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल क्लोथ्स, अगर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मल अटायर में आपके ऑफिस में जाना होगा या मीटिंग्स या सेमिनार्स के लिए जाना होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि फॉर्मल अटायर, फॉर एग्जांपल लड़कों के लिए जैसे होता है ट्राउज़र, शर्ट, टाई, ब्लेजर, ये जो पूरा सेट है ये आप इंडिया से ही लेके आना, क्योंकि आसानी से वहाँ पे अवेलेबल भी बहुत ऑप्शंस हैं, और आप अगर चाहो तो सिलवा भी सकते हो। और लड़कियों के लिए भी जैसे स्कर्ट हो गया या फॉर्मल शर्ट्स है, इसके भी इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन है, और ये आप इंडिया से ही लेके आओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जर्मनी में फॉर्मल कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैजुअल कपड़ों के बारे में। तो कैजुअल वैसे ना टी शर्ट वगैरह, ये जो जीन्स, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से यहाँ पे मिलेगी और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिलेंगे, राइट फ्रॉम बिग ब्रांड से लेके बेसिक एवरीडे के लिए भी आपको बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे। बट आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ ले आ सकते हो कैजुअल्स में, और वो है हुडीज या जो फुल स्लीव्स वाले जो शर्ट्स होते हैं वो, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको विंटर में काम आ सकती है, क्योंकि विंटर में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ऐसे तो है नहीं कि टी शर्ट पहन लिया और बस एक मोटी सी जैकेट पहन ली तो काम हो गया, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। विंटर का मेन कॉन्सेप्ट होता है लेयरिंग का, मतलब आप एक टी शर्ट पहनो, उसके ऊपर एक लंबी स्लीव्स वाली शर्ट पहनो और फिर जैकेट पहनो। तो आई थिंक कि अगर आप कैजुअल्स में ही ऐसे हुडीज या पुलोवर ले आओगे तो आपको विंटर में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। फिर बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी, एंड दैट इज ट्रेडिशनल वेयर, अपने इंडियन देसी कपड़े। तो देखो यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल जो है इतने ज़ोरों शोरों से तो सेलिब्रेट होते नहीं हैं, बट यही रहता है कि आप बाहर हो, कुछ इंडियन फ्रेंड्स बने हैं, फैमिलीज होती है यहाँ पे, उनके साथ आप एक साथ फैमिलीज को मिल के सेलिब्रेट कर सकते हो, और इंडियन अटायर पहनने के बाद एटलीस्ट वो फील तो आती है फेस्टिवल की। तो यहाँ पे बिल्कुल इंडियन कपड़े और लड़कियों के लिए एटलीस्ट ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इंडिया से आते हुए ट्रेडिशनल कपड़े पक्का ले आना, क्योंकि अगर आप नहीं ले आते हो तो फेस्टिवल्स के टाइम आप बड़ा मिस करने वाले हो ये सारा माहौल। क्लोथ्स में आई वुड से विंटर वेयर का जितना भी सामान होता है, कपड़े होते हैं, वो आप इंडिया से बिल्कुल भी मत ले आना। जर्मनी में बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, और ना आप इंडिया से अगर विंटर के लिए जैकेट भी ले आते हो तो यहाँ के जर्मनी के ठंड जो पड़ती है उसके लिए वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जो ठंड पड़ती है ना वो बहुत ही अलग है। और इसके लिए जो जैकेट्स मिलते हैं ये बहुत सारे वैरायटी के हैं, मतलब यहाँ के स्टोर्स में, राइट फ्रॉम 20 यूरो या 50 यूरो से लेके 500-700 यूरो तक की भी जैकेट्स है। तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी जैकेट लेनी है, कौन सी वैरायटी की लेनी है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। इनफैक्ट स्कार्फ, ग्लव्स, मतलब जो भी विंटर के लिए चीज़ें हैं, सॉक्स, और इतने क्यूट क्यूट से ऑप्शंस होते हैं सॉक्स के, तो विंटर्स के लिए लड़कियों के लिए तो बड़ा ही बहुत सारा वैरायटी है ऑप्शंस का यहाँ पे। तो इसलिए विंटर का सामान बिल्कुल भी इंडिया से मत ले आना। एक अगर कोई जैकेट खरीदी हुई है आपने और अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम पहन के आना चाहते हो तो इसलिए ट्रैवलिंग के टाइम एक जैकेट लेके आना, बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि विंटर का जो सारा सामान है वो आप जर्मनी से ही खरीदना। फिर बात करते हैं शूज़ के बारे में। तो शूज़ में भी आई वुड से कि तीन कैटेगरीज है, एक तो फॉर्मल शूज़ तो डेफिनेटली इंडिया से ही लेके आना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल शूज़ जैसे आपको चाहिए या आपके साइज़ में मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ यहाँ पे शूज़ खरीदना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो आई वुड रिकमेंड फॉर्मल शूज़ इंडिया से ही खरीद के ले आना। कैजुअल शूज़ भी अगर आपके पास है या ऑलरेडी मतलब ख़रीदना भी चाहते हो तो एक दो आप आपके साथ ले आ सकते हो, यहाँ पे कैजुअल शूज़ भी मिल जाते हैं। बट यही है कि जो भी लेटेस्ट यू नो लेटेस्ट कलेक्शन चल रहा होते हैं वही अवेलेबल होते हैं यहाँ के स्टोर्स में, और ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे स्टोर्स के ऑप्शंस हैं, गिनती के 6-7 ब्रांड्स है वही अवेलेबल होते हैं और उनका लेटेस्ट कलेक्शन जो चलता है हर कोई वही पहन के घूमता है। तो इसलिए आपके पास अगर ऑलरेडी फॉर्मल शूज़ और कैजुअल शूज़ अवेलेबल है और लेके आ सकते हो, जगह है बैग में, तो डेफिनेटली एक दो पैर लेके आना। और विंटर शूज़ की बात करूँगी तो विंटर शूज़ तो जर्मनी में ही अच्छे मिलते हैं। आई वुड से विंटर शूज़ कैरी करने के लिए आई एम श्योर इतनी जगह होगी भी नहीं आपके बैग में, और अगर होगी भी तो वो विंटर शूज़ ऐसे नहीं होंगे कि यहाँ के बर्फ़ में या यहाँ के ठंड में चलेंगे। तो इसलिए विंटर शूज़ डेफिनेटली जर्मनी से बाय करना। और वीडियो के एंड में मैं बताने वाली हूँ एक प्रो टिप कि जर्मनी आने के बाद आप कौन से स्टोर से रीजनेबल प्राइस में विंटर कलेक्शन खरीद सकते हो, राइट फ्रॉम जैकेट्स एंड एवरीथिंग। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और आपको पता चलेगा कि जर्मनी आने के बाद आपको कहाँ पे सस्ती वाली शॉपिंग करनी है। और अब आते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है टॉयलेटरीज एंड कॉस्मेटिक्स। तो पहले बात करते हैं शैम्पू कंडीशनर के बारे में। तो मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें इंडिया से बिल्कुल भी मत ले आना, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है शैम्पू कंडीशनर इन सारी चीज़ों की, और वो भी बड़े सस्ते सस्ते में मिल जाते हैं। और फिर बात करते हैं आई थिंक साबुन के बारे में। तो इंडिया में तो साबुन यूज़ होता है बॉडी वॉश के लिए एंड ऑल, बट जर्मनी में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के स्टोर्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा शार जेल बड़ा कॉमन है, तो यहाँ पे लोग नहाने के लिए शार जेल यूज़ करते हैं। तो इसके भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है और इतने अच्छे अच्छे फ्रेगरेंसेस में आते हैं ना कि, और बड़ा सस्ते मिल जाते हैं, लाइक 1 यूरो के अंदर आपको इतने वेराइटी ऑफ फ्रेगरेंसेस के शार जेल भी मिलेंगे। तो आप जब DM ऐसे म्यूलर ये स्टोर्स में जाते हो जहाँ पे ये सारी ड्रॉगरी मार्क्ड है, जहाँ पे सारे कलेक्शन मिलते हैं आपको, यहाँ वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ें लेनी है आपने, इतनी वैरायटी होती है यहाँ पे। और इवन कपड़े धोने के लिए भी कोई साबुन वाबुन लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रिन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन के लिए जो पाउडर आती है
कपड़े धोने के लिए, उसमें भी इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे। और एक लिक्विड भी आता है जो वॉशिंग मशीन में डलता है, मतलब यू नो कपड़े धोने के लिए, तो उसमें भी इतनी सारी वैरायटी है। तो कपड़े धोने के लिए भी यहाँ पे इतना सारा सामान है कि आपको एक बार आ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या खरीदना है, और बड़ा सस्ते में मिल जाएगा। तो अननेसेसरी आपके लगेज की स्पेस ना ये सारी चीज़ों को कैरी करने में बिल्कुल भी मत लगाना। एंड कॉस्मेटिक्स की अगर बात करें तो लड़कियां जो मेकअप पसंद करती है उनके लिए तो भरमार है यार। आप यूरोप में आ रहे हो और जर्मनी आ रहे हो और यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ ब्रांड्स हैं, मतलब सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड जो इंडिया में मिलते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और सारे जो फैंसी हुडा ब्यूटी एंड अरमानी सारे ब्रांड शनेल, मतलब उनकी भी लिपस्टिक्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट एकदम आसानी से। सफोरा में जाके, डगलास जाके, वहाँ पे आपको मेकअप का सारा सामान मिल जाएगा। फिर आपको मतलब व्हाट यू से स्किन केयर एंड फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम्स, ये भी बड़ा आसानी से मिल जाएगा, और बड़े मतलब सस्ते नहीं होते बट हाई एंड ब्रांड्स इजीली एक्सेसिबल है। तो अगर आप ये ट्राई करना चाहती हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंडिया से ये सारी चीज़ें मत खरीदना, अगर लेना ही है, अगर आपको लेके है आना है इंडिया से, तो आई वुड से कि आप पैराशूट हेयर ऑयल, जैसे आप कोकोनट हेयर ऑयल जो होता है वो ले आ सकते हो, या फिर आपको अगर डॉक्टर ने, डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर ने आपको कोई फेस वॉश रिकमेंड किया है या शैम्पू रिकमेंड किया है और आप लंबे टाइम से वो चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें ले आना। अदरवाइज इंटरनेशनल ब्रांड्स वाली चीज़ें यहाँ पर सारी है, राइट फ्रॉम 1 यूरो के चीज़ से लेके फैंसी ब्रांड, डिज़ाइनर ब्रांड, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर आई वुड सी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि आप ना रक्सैक जो होती है या लैपटॉप बैग्स, वो आप इंडिया से ही एक दो अच्छे ब्रांड्स की ले आना, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर या स्काई बैग, इनकी बहुत अच्छी मिल जाती है बैग्स। उसके अंदर ना आप आपका लैपटॉप, बुक्स, इसके लिए भी सामान, इसके लिए ये कैरी करने के लिए भी आप बैग यूज़ कर सकते हो, या अगर कहीं आपको एक दिन की ट्रिप के लिए जाना है या वीकेंड के ट्रिप के लिए जाना है, और अगर आपको लगेज कैरी, मतलब वो बड़ी सूटकेस कैरी नहीं करनी है, केबिन बैग कहीं पे, तो अच्छा ऑप्शन होता है कि आपकी वो जो पीछे वाली रक्सैक वाली बैग है उसमें आप ना ओवरनाइट पिकनिक के लिए जो कपड़े चाहिए वो भी डाल सकते हो, और सारा सामान दिन भर कैरी करके घूम भी सकते हो। और ये बैग्स जो है जर्मनी में इतनी आसानी से, मतलब मैंने देखी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी की मिलती है, वो ना कैंपिंग वाली जो होती है बड़ी बड़ी बैग जो यहाँ पे ये लोग कैंपिंग के लिए यूज़ करते हैं ऐसे मिलती है, या तो वो बस बेसिक जो लैपटॉप कैरी कर सकते हैं हल्की फुल्की ऐसी वाली मिलती है, बट इंडिया में बड़ी अच्छी रक्सैक मिलती है ये मैंने नोटिस किया हुआ है। तो आई वुड से डेफिनेटली इंडिया से भी आप बैग, वो पीछे लगाने वाली जो है लैपटॉप बैग, वो लेके आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। तो देखो डॉक्यूमेंट्स मुझे एज सच लगता नहीं है स्पेशली बताने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंट्स सॉर्टेड है और सारी चीज़ें आपने ये ध्यान रखी हुई है कि क्या क्या लेके आना है, बट जस्ट एज एन एडवाइस मैं बताना चाहूँगी कि जो आपके ओरिजिनल्स है डॉक्यूमेंट्स, सारे बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जितने भी सर्टिफिकेट्स है आपके पास ओरिजिनल, वो सारे आपके साथ ही ले आना। प्लस कुछ आप ना उसके जेरोक्स कॉपी भी बनवा के ले आना, कहीं पे भी आपको इनिशियली जब आप आते हो और आपको रजिस्टर करना पड़ता है यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की अगर ज़रूरत पड़े तो आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो होती है वो कम से कम 15-20 तो करा के लेके आना, यहाँ पे इतने आसानी से फ़ोटो बूथ है नहीं कि भैया के पास आप जाओ फोटो क्लिक करो और आपको 2 घंटे में फ़ोटो मिल जाएगी। तो इसलिए आई वुड से कि 10-15 मिनिमम आप फोटो कॉपी, मतलब फोटो कॉपी नहीं, आपकी फ़ोटो खिंचवा के ले आना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस या एनी अदर डॉक्यूमेंट एज वेल कोई लोकल लैंग्वेज में है, रीजनल लैंग्वेज में है, तो उसको आप ट्रांसलेट ज़रूर कराना, ट्रांसलेट कराना इंग्लिश में या जर्मन में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उनको लोकल लैंग्वेज का कोई बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओगे तो डेफिनेटली इनको समझेगा नहीं, और ये लोग पूछेंगे कि हमें इसका जर्मन ट्रांसलेशन चाहिए या एटलीस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन तो चाहिए, और यहाँ पे अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो ट्रांसलेशन वाला काम भी इंडिया से ही करा के आना। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू सिम कार्ड। तो जर्मनी आने से पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डेफिनेटली चेक करना कि आपके सिम कार्ड के, आपके नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वोडाफोन या जो भी आपका होगा, उस पर इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव है या नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप आ जाओगे एयरपोर्ट पे और उसके बाद अगर आपको कॉलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है या किसी के साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपका फ़ोन चलना ही बंद हो गया तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए ये चीज़ इंश्योर करना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो इंडियन बैंक अकाउंट है
वहाँ पे चेक करना कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर जो है प्राइमरी कॉन्टैक्ट वो कौन सा दिया हुआ है. रीज़न मेन कि जर्मनी में आने के बाद अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो या कहीं पे पेमेंट करते हो तो आपको आएगा ओटीपी, और ओटीपी आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका फ़ोन चलना चाहिए. इसलिए ये चेक करना कि कौन सा नंबर दिया है और उस नंबर पे एटलीस्ट थोड़ा बेसिक रिचार्ज करना ताकि आपको ये मैसेजेस भी आ सके. और तीसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी कि आपको आसानी से यहाँ पे सिम कार्ड मिल जाएंगे. आप यहाँ पे जब आ जाओगे तो आई थिंक लाइका मोबाइल, लिब्रा, ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स है जो सस्ते में आपको सिम कार्ड भी ऑफर कर देते हैं और इनके प्लान्स भी बड़े सस्ते होते हैं. हाँ, ये मत एक्सपेक्ट करना कि जियो के जैसे आपको एक दिन में ही 5 GB 10 GB मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है. जर्मनी में आपको इतना ज़्यादा डेटा प्लान नहीं मिलेगा. इनके अलग अलग प्लान्स होते हैं, उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो और वो यूज़ कर सकते हो. और अगर आप जब एयरपोर्ट आते हो और अगर आपको कांटेक्ट करने की जरूरत भी पड़ती है और अगर आपका फोन नहीं चले तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे होता है वाईफाई, तो डेफिनेटली आप एयरपोर्ट का वाईफाई यूज करके कांटेक्ट कर सकते हो. तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मिसेलेनियस. तो इसमें ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक मिसेलेनियस कैटेगरी बोल दिया है जिसके अंदर बहुत सारे सब आइटम्स हैं. तो पहले बात करते हैं प्रेयर आइटम्स, जैसे भगवान की पूजा करने के लिए जो जो सारी चीज़ें लगती है वो आप क्या क्या ले आ सकते हो. तो वो मुझे लगता है कि अगर आप मंदिर यहाँ पे आके बनाने वाले हो या पूजा करने के लिए आप, अगर आपको फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी पूजा के फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम की, तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ इंडिया से ले आना. यहाँ पे भगवान की पूजा की चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती है. इंडियन स्टोर में मिल जाएगी बट वो भी बहुत महंगी होती है. तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि जैसे भगवान जी की मूर्ति है या फिर दिया और ये सारी चीज़ें जो आप फॉलो करते हो उसके हिसाब से, मतलब जैसे पूजा की थाली हो गई, ये सारी चीज़ें आप इंडिया से ही ले आना क्योंकि यहाँ पे इतनी आसानी से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी. फिर बात करते हैं स्टेशनरी आइटम्स की. तो यार स्टेशनरी आइटम्स वगैरह इंडिया से बिल्कुल मत ले आना. यहाँ पे ना बहुत आसानी से सस्ते सस्ते ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. बुक, पेन, ये सारी चीज़ें एकदम आसानी से मिल जाती है. और ऐसे शॉप्स भी हैं यहाँ पे जैसे टेडी हो गया या और कौन सा है मिलर, इसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएगी. तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड तक, बट इससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रो टिप्स जो मैंने वीडियो के दौरान आपको बताए थे कि मैं एंड में बताने वाली हूँ. तो ये प्रो टिप्स आपको हेल्प करेगी जब आप जर्मनी आते हो. तो पहले बात करते हैं यूटेंसिल्स एंड स्टेशनरी आइटम्स के बारे में. तो ये अगर चीज़ें आपको सस्ती खरीदनी है तो कुछ शॉप्स है जहाँ पे आप जाके वहाँ पे सस्ते में सारी चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कि वुलवर्थ, टेडी, हेमा, ये 2-3 शॉप्स है जहाँ पे आपको आसानी से सस्ते में सामान मिल जाएगा. रीज़न बीइंग मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं जब यहाँ पे नहीं आई थी मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था और मैंने शॉपिंग स्ट्रीट पे जाने के बाद जो शॉप्स देखी उसके अंदर मैं चली गई. फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैं गलेरिया में चली गई थी, यहाँ का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, और वहाँ पे जाके मैंने खरीदा था 80 यूरो का एक पैन और ऑलमोस्ट 30-40 यूरो की एक चूड़ी खरीदी थी. तो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था और मुझे लगता था कि ये एक्चुअल में यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट ऐसा केस नहीं है. आपको मैंने बता दिया है कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको सस्ते में सामान मिल सकता है. और अब सेकेंड प्रो टिप है कपड़े. कपड़े आपको सस्ते मिल जाएंगे. देखो H&M, ज़ारा, मैंगो यहाँ पे तो मिल ही जाएंगे, बट यहाँ पे शॉप्स होते हैं जैसे प्राइमार्क एंड CNA जहाँ पे आपको आसानी से सस्ता सामान मिल जाएगा. और अगर आपको डिज़ाइनर और अच्छे ब्रांड्स के कपड़े चाहिए या शूज़ चाहिए तो उसके लिए भी आपका ऑप्शन है गलेरिया, कार्टस्टार्ट एंड पीक एंड क्लोपरूम. तो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे आपको हाई एंड सामान भी मिल जाएगा. तो नेक्स्ट जो प्रो टिप्स होने वाली है वो है बेसिकली हेल्पफुल स्टूडेंट्स के लिए. तो प्रो टिप नंबर 3 ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट वीज़ा पे जर्मनी आ रहे हो पहली बार, तो एयर इंडिया आपको ऑप्शन देता है 3 चेक इन लगेज कैरी करने के लिए. तो 23 kgs के आप 3 चेक इन बैग्स ले आ सकते हो. जनरली आप नॉर्मल टिकट पे 2 बैग्स ले आ सकते हो 23 kgs ईच, बट बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जर्मनी तो आपको 3 बैगेजेस लेना अलाउड है. अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जाननी है तो आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हो और वहाँ पे ना स्टूडेंट ऑफर्स जो है वहाँ पे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो. तो टिकट बुक करते टाइम अगर आप एयर इंडिया से आते हो तो आपको 3rd बैगेज के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको 3rd बैग फ्री मिल जाएगा. और स्टूडेंट्स के लिए और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रो टिप नंबर 4,
अगर आप यहाँ पे आते हो और आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदनी है, तो आई विल से कि आप ना ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है इनके ऑफर्स देखते रहना, स्पेशली सैटर्न, मीडिया मार्क या फिर एप्पल स्टोर, इनके भी ऑफर्स देखते रहना। अगर मैं अभी एक बात बताऊँ तो अगस्त 2021 चल रहा है और एप्पल स्टोर का ये ऑफर है कि एज अ स्टूडेंट आप यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो या ऑलरेडी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप जो लैपटॉप आता है MacBook Pro या MacBook Air, ये आप 10% डिस्काउंट में खरीद सकते हो और साथ ही आपको मिलेगा Apple AirPods फ्री। और ये रही सारी इन्फॉर्मेशन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपने इंडिया से क्या लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए अगर आप जर्मनी ट्रैवल कर रहे हो तो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक करना और लोगों के साथ भी इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल पर जिसका नाम है फॉरेन की दुनिया। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, आउफ विडरसेन। Thank you.